पॉल जी का, हम जीपी जैन की क्लास यहाँ ले रहे हैं, क्लास 9 के बच्चों का यूट्यूब के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों जैसे कि हमारा विषय हम यहाँ देख रहे हैं पॉल जी काय है, तो आइए हम पॉल जी काय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है और उस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें से हमारा एक कोशिकांग गॉल्जी काय है। तो आज हम गॉल्जी काय के बारे में जानेंगे। ये देखिए बच्चों गॉल्जी काय की संरचना है, इसमें सबसे पहले तो आप ये जानिए कि गॉल्जी काय की खोज कैमिलो गॉल्जी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में की। गॉल्जी काय में बच्चों सिस्टर्नी कलाएं पाई जाती हैं और ये सिस्टर्नी कलाएं जंतुओं में पाई जाती हैं और ये 4 से 10 के लगभग होती हैं। ये बेलनाकार होती हैं और खोखली संरचना होती है। सिस्टर्नी कलाओं के अवतरण सिरे पर स्त्रावी लिपिका पाई जाती है जो धीरे धीरे अलग होने लगती है और इसी सिस्टर्नी यूनिट में बच्चों हेलियो की संरचना पाई जाती है जो उत्तर दिशा में होती है और ये नई सिस्टर्नी यूनिट कलाएं का निर्माण करती है। जीवाणु और नीले हरे शैवालों में बच्चों गॉल्जी काय नहीं पाया जाता। गॉल्जी काय पादप कोशिकाओं में जब गॉल्जी काय पाया जाता है तो हम उसको डिक्टियोसोर भी कहते हैं। तो ये गॉल्जी काय की संरचना है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसका चित्र भी सीखेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे गॉल्जी काय के कार्य, ये अपनी कोशिकाओं में क्या कार्य है। ये कोशिकाओं के निर्माण और विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। ये कोशिकीय पदार्थ का स्त्रावण एवं संचयन करती है। इसका तीसरा काम है सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती है। चौथा काम इसका है बच्चों कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो ये हमारा कोशिकाओं का एक अंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के विषय में जानेंगे। थैंक यू।